हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पार्कल एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जीएस का प्रैक्टिस सेट देखेंगे और ये जीएस का प्रैक्टिस सेट 10वें नंबर का है। इससे पहले हमने 9 प्रैक्टिस सेट लगाए हैं, अगर वे आपने नहीं देखे हैं तो आप उनको भी देख सकते हैं, लिंक उनका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट रहेगा, जो हमने इससे पहले कवर कराए हैं वो उसमें ज़्यादातर मैंने प्रीवियस ईयर के सेट कराए हैं और ये आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट है, तो आप इसको ध्यान से लगाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, देखते हैं यहाँ पर पहला प्रश्न। सबसे पहला लिखा हुआ है यहाँ पर प्रश्न है, स्लीपर जतुग। स्लीपर जतुग यानी एनिमल क्यूल किसका सामान्य नाम है, तो किस जीव को कहा जाता है स्लीपर जतुग? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, पैरामीशियम। पैरामीशियम जो कि प्रोटोजोआ संघ का एक प्राणी है, उसको कहा जाता है स्लीपर जतुग। नेक्स्ट है, भारतीय स्वाधीनता बिल लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार किस दिन पेश किया गया था, ये आपको बताना है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 14 जुलाई 1947 को पेश किया गया था भारतीय स्वाधीनता बिल। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, AlCl3 की मौजूदगी में बेंजीन में Cl2 मिलाना किसका उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण है? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, योजन अभिक्रिया का। तो ये योजन अभिक्रिया का उदाहरण है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, आगे लिखा हुआ यहाँ पर, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पूंजी बिलों से संबंधित है, तो पूंजी बिल से संबंधित है कौन सा अनुच्छेद है? ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुच्छेद 110। पूंजी बिल का मतलब होता है धन विधेयक। ओके, तो धन विधेयक से संबंधित है अनुच्छेद 110। ओके, और देखिए कोई भी धन, मतलब कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसके बारे में कौन बताता है? लोकसभा अध्यक्ष। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्ट कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? तो ये लेता है लोकसभा अध्यक्ष। ओके, तो इसका आंसर क्या रहेगा, धन विधेयक किस में है? अनुच्छेद 110 में। तो देखिए, आपको जितने भी मोस्ट अनुच्छेद है वो सारे याद कर लेने हैं, यहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम बनने के चांसेस होते हैं कि आपको अनुच्छेद से, संशोधन से यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिले। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यदि पूर्ण उत्पाद अपने अधिकतम पर हो तो AP यानी एवरेज प्रोडक्ट और MP यानी मार्जिनल प्रोडक्ट में क्या संबंध होता है, इसमें क्या आएगा आंसर? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो बराबर होता है जीरो के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जीन के जिस समूह की क्रिया को DNA साइट से संबंधित किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑपेरॉन कहा जाता है उसको। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ऑपेरॉन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने पहली बार राज्य में प्लास्टिक के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया है, तो सबसे पहले किसने लगाया है प्लास्टिक पर प्रतिबंध, तो ये लगाया है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात ने, और ये 2015 में लगाया था गुजरात ने, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया था गुजरात ने सन 2015 में, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश ने लगाया 2017 में, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गुजरात। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश के इंजीनियरों में विश्व की सबसे तेज गति वाली कार वेनम GT तैयार की गई है, और मतलब जिसकी शीर्ष गति कितनी है, 435 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसमें आपको बताना है किस देश ने की है सबसे तेज गति वाली कार का निर्माण, तो सबसे ये किया है अमेरिका ने। ओके, अमेरिका ने किया है, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अमेरिका। आगे लिखा हुआ है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसमें M3+ आयन बनाने की अधिकतम प्रवृत्ति होती है, तो किसमें होती है M3+ आयन बनाने की प्रवृत्ति? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी N में, तो N में होती है ये प्रवृत्ति, आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, ग्रीक ने राजनीति शास्त्र को किसकी मूल मान्यताओं के अनुसार देखा, तो ये किसकी मूल मान्यताओं के अनुसार देखा? ऑप्शन नंबर डी, नैतिक दृष्टि से, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर रहेगा, नैतिक दृष्टि से। चलिए आगे देखते हैं, तो अगला प्रश्न यहां पर लिखा हुआ है, एक ऐसा कंप्यूटर उपकरण या राउटर है जो सिस्टम के बीच होता है, तो क्या चीज है ऐसा? ऑप्शन नंबर सी, यानी हब।
हब एक ऐसा कंप्यूटर उपकरण या राउटर है जो सिस्टम के बीच होता है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है पोषवाही यानी फ्लोएम, पोषवाही बोलते हैं फ्लोएम को। परिवहन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो फ्लोएम के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही है यह आपको बताना है, और इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी फ्लोएम में अतनुकारी शर्करा के रूप में शर्करा का परिवहन होता है, शर्करा का परिवहन करता है, और ये जो फ्लोएम होता है पेड़ों में भोजन का परिवहन भी करता है। ठीक है, ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है। और जो जल का परिवहन होता है जाइलम के द्वारा, पौधों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है, और जो फ्लोएम होता है ये करता है भोजन का परिवहन, पेड़ों में भोजन का परिवहन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और ये जो 61वां क्वेश्चन अभी मैंने बताया आपको, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, फायरवॉल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर रहेगा 61वें का, फायरवॉल। ठीक है, एक ऐसा कंप्यूटर उपकरण या राउटर है जो सिस्टम के बीच होता है, तो ये आप इसको करेक्शन कर लेंगे, 61 का रहेगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है कि मूल्य की दृष्टि से सकल विश्व व्यापार में भारतीय शेयर कितना है? तो विश्व व्यापार में भारत का शेयर कितना है ये आपको बताना है, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2% है विश्व व्यापार में भारत का शेयर। नेक्स्ट, यहाँ पर जहांगीर के शासनकाल के निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल असरा की उपाधि दी गई? तो जहांगीर के शासनकाल में किसको नादिर उल असरा की उपाधि दी गई है? तो ये इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मंसूर को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका आंसर रहेगा कि मंसूर को नादिर उल असरा की उपाधि दी गई थी, और जहांगीर के शासनकाल जो रहा था वो 1605 से 1627 तक रहा था, तो 1605 से 27 तक रहा था इसका 1627 तक शासनकाल। और देखिए 1608 में इसके शासनकाल में कौन आया था? विलियम हॉकिंग्स। और 1615 में कौन आया था? थॉमस रो या टॉमस रो। ठीक है, मतलब 1615 में जहांगीर के शासनकाल में विलियम हॉकिंग्स और 1615 में टॉमस रो इसके शासनकाल में भारत आए थे, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है, जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने कहाँ स्थित वेधशाला का निर्माण नहीं कराया था? तो किस वेधशाला का निर्माण नहीं कराया था राजा जयसिंह ने, यह आपको बताना है, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इलाहाबाद में जो वेधशाला है उसका निर्माण जयसिंह ने नहीं कराया था, बाकी वाराणसी मथुरा उज्जैन में जो भी वेधशाला है उसका निर्माण किसने कराया था? जयसिंह ने। ठीक है, आगे देखते हैं। हालांकि ऐसा कोई एकल सिद्धांत नहीं है जो दक्षिण पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति को स्पष्ट कर सके, तथापि किसके दौरान पृथ्वी और समुद्र के विशिष्ट तापन की मुख्य प्रणाली मानी जाती है? ये इसमें आपको आंसर बताना है, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दक्षिण पश्चिमी व्यापारिक हवाओं का प्रवाह, इसका आंसर रहेगा। आगे देखते हैं, इसमें पूछा गया कि मछली पकड़ने के आधार पर देशों की अवरोही क्रम में सही श्रृंखला बताइए, मतलब ये बताना है कि सबसे ज़्यादा सबसे ऊपर कौन है, फिर उसके बाद कौन है, फिर उसके बाद कौन है मछली पकड़ने में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सबसे ज़्यादा मछली कौन पकड़ता है, सबसे ज़्यादा मछली पकड़ी जाती है चीन में, फिर उसके बाद पेरू, फिर जापान। ठीक है, तो ये इसका आंसर रहेगा। ठीक है, चीन पेरू जापान में सबसे ज़्यादा मछली पकड़ी जाती है। देखिए सबसे इसके अकॉर्डिंग तो ये रहेगा ऑप्शनों के हिसाब से, लेकिन सबसे ज़्यादा चीन पकड़ता है मछली, सबसे ज़्यादा मछली चीन में, फिर दूसरे नंबर पर आता है भारत, फिर इंडोनेशिया, फिर पेरू। ठीक है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी चीन पेरू जापान। अगर वैसे अगर नॉर्मली पूछे तो सबसे ऊपर कौन है? चीन है, फिर उसके बाद भारत है, फिर चीन के बाद भारत है, फिर इंडोनेशिया है, फिर पेरू है, फिर अमेरिका, इस तरह से ये क्रम है इनके। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई? तो किस अधिनियम के द्वारा की गई थी ये? ऑप्शन नंबर डी, 1919 का अधिनियम। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा प्रांतों में द्विशासन लागू किया गया था 1919 के, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे यहाँ पर, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है?
तो भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी यानी भारत के लोग, भारत की जनता ही इसका क्या है, प्राधिकार स्रोत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आगे यहां पर लिखा हुआ है, जब तरल और उसके आसपास के बीच का तापमान अंतर दोगुना हो जाता है तो ऊष्मा की हानि की दर कितनी हो जाएगी। इसमें आपको बताना है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ऊष्मा की हानि कितनी हो जाएगी, दोगुनी। और नेक्स्ट यहाँ पर, जॉन लोके ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जॉन लोके ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक संपर्क सिद्धांत का। जॉन लोके का सामाजिक संपर्क सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया था, ये आपको याद रखना है। और नेक्स्ट यहाँ पर, दीवाने कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था, दीवाने कोही, तो ये किसने बनाया था, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये दीवाने कोही किसने बनवाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मोहम्मद बिन तुगलक यानी 1325 से 1351 तक ये रहे थे, शासनकाल इनका रहा था, और इन्होंने तांबे और कांसे की सांकेतिक मुद्रा भी जारी की गई थी, मतलब इनके द्वारा तांबे और कांसे की सांकेतिक मुद्रा जारी की गई थी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। आगे है नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसका संबंध उच्चतम न्यायालय की सलाहकार अधिकारिता से है, तो किसका संबंध है इनमें से, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी कानून अथवा तथ्यों के बारे में राय मांगने वाले भारत के राष्ट्रपति। अनुच्छेद 143 में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, तो ये इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है यहाँ पर, C3 पौधों में O2 की मौजूदगी में प्रकाश संश्लेषण के निषेध को क्या कहते हैं, इसमें आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर रहेगा, बारबर्ग, तो इसको कहा जाता है बारबर्ग प्रभाव। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, यहाँ पर लिखा हुआ है, नियोक्ता अधिक से अधिक उपादान यानी फैक्टर यूनिट कब तक लगाता रहता है, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी औसत राजस्व उत्पादकता के सीमांत राजस्व उत्पादकता के बराबर होने तक, जब तक औसत राजस्व सीमांत राजस्व के बराबर ना हो तब तक क्या करता है वह यूनिट, तब तक नियोक्ता अधिक से अधिक उत्पादन यानी फैक्टर यूनिट लगाता रहता है। अब इसमें आपको बताना है, इसका पेयर मिलाना है। ओके, सूची वन से सूची टू को आपको मिलाना है, तो इसका जो आंसर रहेगा आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी ए को आप तीन पे मिलाइए। ठीक है, टैगा कहाँ पर पाए जाते हैं, टैगा एक वन है और कहाँ पर, बर्खोयास्क में पाए जाते हैं। और बी यानी मानसून आप जानते हैं, मानसून कहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए सॉरी बी, एशिया यानी भारत में, तो एशिया में पाए जाते हैं भारत में, तो मानसून जो हवाएं चलती है मानसून वन कहाँ पर पाए जाते हैं, भारत में। और आगे यहाँ पर सी का हो जाएगा आपका फोर, अल्पाइन यानी लापाज और रेगिस्तान कहाँ पर, जैकोबाबाद। तो इस प्रकार से आपका ये पेयर बन जाएगा और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण से राज्य को प्राथमिक तौर पर सामाजिक व्यवस्था माना जाता है, तो किस दृष्टिकोण से सामाजिक व्यवस्था माना जाता है राज्य को, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी सामाजिक दृष्टिकोण से। ठीक है, सामाजिक दृष्टिकोण से राज्य को प्राथमिक तौर पर सामाजिक व्यवस्था माना जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस आयन में डीडी संक्रमण के कारण रंग नहीं होता, तो किस आयन में रंग नहीं होता है डीडी संक्रमण के कारण, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर रहेगा, MnO4+ के कारण। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर सूची एक को सूची टू से आपको मिलाना है। सूची एक को देखिए, यहाँ पर पवनों के नाम लिखे हुए हैं और यहाँ पर स्थल के नाम लिखे हुए हैं, तो इसको आपको मिलाना है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा यानी चिनूक जो पवन है वो कहाँ पर चलती है आपकी, अमेरिका में। फोएन जो है आपकी ये चलती है अल्पास में, और सिरोको का आंसर हो जाएगा यानी मिस्र में, और लू चलती है आपकी भारत में, तो लू का तो आपको पता ही होगा भारत में, तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
ग्लाइडर अपनी उड़ान के लिए निम्नलिखित में से किस ऊर्जा पर निर्भर होते हैं? तो ग्लाइडर किस पर निर्भर होते हैं आपको बताना है। ये होते हैं ऑप्शन नंबर ए पवन ऊर्जा पर निर्भर होते हैं। नेक्स्ट है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में सदर दीवानी अदालत की स्थापना किसने की थी? तो ये किसने की थी इसकी स्थापना, ऑप्शन नंबर सी यानी वारेन हेस्टिंग ने की थी सदर दीवानी अदालत की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में। अगला यहाँ पर प्रश्न है, किस राज्य के उच्च न्यायालय ने राज्य में सभी प्रकार के भैंसों और सांडों की लड़ाई पर यह कहकर प्रतिबंध लगाया कि यह पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 के विरुद्ध है? तो ये आपको बताना है कि किस प्रदेश में यह लगाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश में। ओके, नेक्स्ट है, ताम्र पदार्थ हवा में खुले रहने पर किसके, ताम्र पदार्थ यानी तांबे के जो पदार्थ होते हैं वे हवा में खुले रहने पर किसके निर्माण के कारण हरे रंग के हो जाते हैं? तो किसके निर्माण के कारण हो जाते हैं हरे रंग के, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी CuCO3 और CuOH2, इसके कारण हो जाते हैं हरे रंग के। आगे है, किसी ग्रह की त्रिज्या यानी आर की कक्षा में परिक्रमा अवधि टी है, त्रिज्या 4R की कक्षा में परिक्रमा अवधि क्या होगी? ये आपको बताना है इसका आंसर क्या रहेगा। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी 2T, इसका आंसर यहाँ पर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर कितने प्रतिशत दिल्लीवासी अस्थमा और नासासोद यानी राइनाइटिस से ग्रस्त हैं? तो कितने प्रतिशत लोग हैं इससे ग्रस्त, ये आपको बताना है। इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी 11% लोग। तो 11% लोग जो है दिल्ली के 11% लोग नासासोद और अस्थमा से ग्रसित हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर है, मनुष्य की निम्नलिखित में से कौन सी जनन गड़बड़ी सेक्स से जुड़ी हुई है? तो ये आपको बताना है कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए हीमोफीलिया, इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर साम्यवस्था उत्पाद का निर्धारण किससे किया जाता है? तो साम्यवस्था उत्पाद का निवारण किससे किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए पूर्ण लागत और पूर्ण राजस्व के बीच समानता से इसका निर्धारण किया जाता है। आगे है, यहाँ पर लिखा हुआ है, कच्चे माल की उपलब्धता के अलावा किसी उद्योग का स्थल भी किसकी उपलब्धता पर निर्भर करता है? इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जनशक्ति और ऊर्जा स्रोत, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर चूड़ी के कहाँ तक पहुँचने पर उसका निरसन होता है? तो चूड़ी के कहाँ तक पहुँचने पर उसका निरसन होता है, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी निरसन बिंदु तक पहुँचने पर उसका निरसन होता है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे या पौधों के हार्मोन गलत युग्म है? तो इसमें आपको बताना है कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गिबरलिंस बड और सीड डारमेंसी, ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, नॉलेज इनोवेशन स्ट्रेटजी नामक नई पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक का नाम लिखा हुआ है, देखिए एक आपको पुस्तक भी देखने को मिल सकती है आपके एग्जाम में, तो पुस्तक भी आप जरूर याद करके जाए। ये पूछा गया कि नॉलेज इनोवेशन स्ट्रेटजी नामक नई पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी पराग कुलकर्णी, इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, किसी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र में कितना होता है? तो पृथ्वी के केंद्र में कितना होता है, 0। ओके, किसी भी पिंड का किसी भी वस्तु का वजन पृथ्वी के केंद्र पर क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण 0 होता है, ठीक है, इसलिए वहां पर वजन भी क्या होगा, 0। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन शासक कुषाण वंश से संबंधित था? तो कुषाण वंश का शासक आपको बताना है कि कौन सा शासक था, तो ऑप्शन नंबर ए खड़पिसिस, इसका आंसर रहेगा, कुषाण वंश से था, खड़पिसिस जो था वो कुषाण वंश से था। और कनिष्क के बारे में भी पूछा जाता है, तो कनिष्क भी कौन था, कुषाण वंश से ही संबंधित था।
ओके कुजुल कडफिसेस लिखा हुआ है यहाँ पर, कुजुल कडफिसेस का पूरा नाम था। नेक्स्ट यहाँ पर संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों से संबंधित है, तो मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में है ये आपको बताना है। तो 51 के ए में दिए गए हैं मौलिक कर्तव्य या फिर मूल कर्तव्य, ये आपको पता होना चाहिए मूल कर्तव्य। और भाग फोर्थ के ए में, तो भाग भी याद रखना है आपको, फोर्थ का ए भाग हो गया और 51 के ए जो है अनुच्छेद वहाँ पर हो गए, तो ये भी आपको ध्यान रखना है मूल। और इनको 42वीं संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था भारतीय संविधान में सन 1976 में। ओके चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो 7वीं अनुसूची के बारे में पूछा गया है, तो ये है ऑप्शन नंबर डी, यानी संघ और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, शक्ति का वितरण। ठीक है, तो अनुसूचियों के बारे में बताया गया है इसमें, अनुसूचियों के बारे में बताया गया है 7वीं अनुसूची में। ओके संघ और राज्यों के बीच शक्ति का वितरण के बारे में, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे है जुलाई 2004 में यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार मानव विकास सूची जिसमें 187 देशों को शामिल किया गया था, भारत की रैंक क्या रही थी, तो इसमें भारत की रैंक रही थी 135। ओके आगे पूछा गया है एलिफेंटा की गुफाएं डैश में है, कहाँ पर है एलिफेंटा की गुफाएं, ये आपको बताना है, तो ये है ऑप्शन नंबर ए, यानी महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में है एलिफेंटा की गुफाएं। और अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है, उत्तर भारत का, उत्तर भारत के बारे में पूछा गया है, तो इसका आंसर रहेगा भरतनाट्यम, भरतनाट्यम यहाँ पर इसका आंसर रहेगा उत्तर भारत का। ठीक है एक मिनट यहाँ पर रुकेंगे, तो उत्तर भारत का जो उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है वो है कथक, कथक यहाँ पर उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। और भरतनाट्यम की बात करें तो ये तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, कथकली कहाँ का है आपका केरल का, तो ये साथ में आपको ये भी याद रखना है। देखिए आपको एक क्वेश्चन यहाँ से भी देखने को मिल सकता है शास्त्रीय नृत्य से, तो आपको ये भी जरूर याद करके जाना है। और एक क्वेश्चन आपको राष्ट्रीय उद्यान से देखने को मिल सकता है आपके एग्जाम में, तो ये भी आपको याद करके जाने हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर है रोलेक्ट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था, रोलेक्ट एक्ट कब पारित किया गया था, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 1919 में पारित किया गया था रोलेक्ट एक्ट। नेक्स्ट यहाँ पर कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान बताना है आपको, ये है आपका सिक्किम में, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम में है कंचनजंगा, तो आपको ये भी याद रखनी है। देखिए राष्ट्रीय उद्यान के बारे में क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, और एक क्वेश्चन आपका नृत्य से देखने को मिल सकता है, ये भी आप जरूर याद करके जाए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड साथ में दोस्तों को शेयर करना, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।